हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमनजोत कौर है और आज की इस वीडियो में हम आईएलटीएस रीडिंग एकेडमिक के जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होते हैं उनको देखेंगे कि कैसे करेंगे इनको करने का वे मैं आपको बता दूं कि हमने क्या करना होता है। जैसे पैसेज ए है, पैसेज ए को हमने रीड करना होता है, क्विकली रीड करना होता है और रीड कर हम इसका एक कंक्लूज़न निकालते हैं कि इसका सिट्टा क्या निकला, इसका कंक्लूज़न का निकला वो हमारा आंसर होता है। तो हम डायरेक्टली क्या है, एक बार हम डायरेक्टली हम पहले आप इन्हें सिर्फ रीड कर लो। जैसे पैराग्राफ ए को हमने रीड कर लिया, फिर हम डायरेक्टली निकालेंगे कि आंसर क्या हो सकता है। द 16th एंड द 17th सेंचुरीज सॉ टू ग्रेट पायोनियर्स द 16th एंड 17th सेंचुरी सॉ टू ग्रेट पायोनियर्स ऑफ मॉडर्न साइंस। 16th और 17th सेंचुरी में दो पायोनियर्स थे मॉडर्न साइंस के। पायोनियर्स क्या होते हैं, मोडी स्टार्टर्स मॉडर्न साइंस जिन्होंने स्टार्ट की थी। गैलीलियो एंड गिलबर्ट उनका नेम था। द इम्पैक्ट ऑफ देयर फाइंडिंग इज एमिनेंट, जो उन्होंने फाइंड किया बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ। गिलबर्ट वॉज द फर्स्ट मॉडर्न साइंटिस्ट, ऑल्सो accredited father of the science of the electricity and magnesium, an Englishman of learning and a physician at the court of Elizabeth. अब इन्होंने आगे गिलबर्ट के बारे में बता दिया कि फर्स्ट मॉडर्न साइंटिस्ट था, फादर ऑफ साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, मैग्नेटिज्म था, इंग्लिश मैन था, ऑफ लर्निंग फिजिशियन था एट द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ। इन्होंने ये बता दिया प्रायर टू हिम, उससे पहले की बात की गिलबर्ट से पहले की इन्होंने बात की। प्रायर टू हिम ऑल डैट वॉज नोन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वॉज वॉट द एंशियंट न्यू, क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में जो लोग जानते थे सिर्फ पुराने लोगों को ही पता था। एंशियंट्स कौन से होते हैं, पुराने लोग। नथिंग मोर देन डैट द लॉर्ड स्टोन पोसेस्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बस यही पता था उनको कि जो लॉर्ड स्टोन होता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। And that the amber jet when rubbed would attract bits of paper, other substances of small specific gravity. However, he is less well known than he deserves. पर फिर भी क्या है, उसको क्या है, कम जाना जाता है as जितना उसको जानना चाहिए, जितना वो डिज़र्व करता है उसको उतना नहीं जाना जाता। अब हम इनमें देखेंगे कि कौन सा आ सकता है। अर्ली ईयर्स ऑफ गिलबर्ट, गिलबर्ट के अर्ली ईयर्स के बारे में बताया गया, देखते हैं पहले। गिलबर्ट फर्स्ट साइंटिस्ट था, मॉडर्न साइंटिस्ट, फादर था इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, इंग्लिश मैन था, लर्निंग फिजिशियन एट द कोर्ट। अब उसके अर्ली ईयर्स की तो बात नहीं की ना, अर्ली ईयर्स कौन से होते हैं, उसके चाइल्डहुड या उसकी स्कूलिंग, अर्ली ईयर्स की उन्होंने तो बात नहीं की। सिर्फ उन्होंने बात क्या की है कि गिलबर्ट फर्स्ट मॉडर्न साइंटिस्ट था और फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, मैग्नेटिज्म था, ये तो उन्होंने बात की जो वो बाद में बना। अर्ली ईयर्स तो आ नहीं सकता क्योंकि उसके अर्ली ईयर्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग ईयर्स, लाइक यंग एज, जब वो बच्चा था, वो कैसे बड़ा हुआ, तो कौन से स्कूल में पढ़ता था, ये चीज़ होती है अर्ली ईयर्स। अर्ली ईयर्स की इसमें बात नहीं की तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आएगा नहीं, फर्स्ट जो है ऑप्शन हमारा नहीं आएगा, अर्ली ईयर्स ऑफ गिलबर्ट नहीं आएगा। बट वॉज न्यू अबाउट हिज साइंटिफिक रिसर्च मेथड, किसी साइंटिफिक रिसर्च मेथड में क्या न्यू था, ये उन्होंने कोई है नहीं इसमें। द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री की डेवलपमेंट की उन्होंने बात नहीं की। क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमी की कोई बात नहीं हुई। पायोनियर्स ऑफ द अर्ली साइंस के पायोनियर्स, ये हमें फर्स्ट लाइन में ही मिल गया। 16th एंड 17th सेंचुरी सॉ टू ग्रेट पायोनियर्स। पायोनियर्स क्या होते हैं, स्टार्टर्स। हमें डायरेक्ट सिनोनियम मिल गया, पायोनियर्स थे मॉडर्न साइंस के। तो इन्होंने क्या कहा है हमारा, पायोनियर्स ऑफ अर्ली साइंस। करेक्ट आंसर इनका ये आएगा, फिफ्थ आएगा। अब अगला भी देखते हैं, प्रोफेशनल एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन, कोई बात नहीं कही किसी के प्रोफेशन में उनको सोशल कैसे रिकॉग्नाइज किया गया। बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल साइंस सोसाइटी, ये तो लाइन थी नहीं इसमें। द ग्रेट वर्क्स ऑफ गिलबर्ट, हिज डिस्कवरी अबाउट मैग्नेटिज्म। अब नेक्स्ट क्या है, क्लियर ही नहीं दिख रहा इसमें।
नेक्स्ट क्या है, गिल्बर्ट बर्थ। गिल्बर्ट बर्थ प्री डेटेड गैलीलियो, गैलीलियो से पहले हुआ गिल्बर्ट का बर्थ। बॉर्न इन एमिनेंट लॉयल फैमिली, अब गिल्बर्ट का बर्थ के उन्होंने बारे में बात कर दी। एमिनेंट लॉयल फैमिली में उसका जन्म हुआ था गिल्बर्ट। इन ये स्कूल का नेम कॉन्टी इन द यूके, ठीक है, स्कूल वगैरह का नेम आ गया, डेट्स वगैरह आ गई, कब हुआ, कहाँ पर हुआ, ग्रामर स्कूल में गया, ही वेंट टू द ग्रामर स्कूल एंड देन स्टडीड मेडिसिन एट द सेंट जॉन्स कॉलेज। सेंट जॉन्स कॉलेज में उसने मेडिसिन ली, मेडिसिन मतलब उसे मेडिसिन स्टडी की उसने, मेडिकल की स्टडी की कैम्ब्रिज। ग्रेजुएटिंग इन, ग्रेजुएट कब हुआ, 1503 में। लेटर ही ट्रैवल्ड इन अ कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप में उसने ट्रैवल किया। इवेंचुअली सेटल डाउन इन लंडन, फिर लास्टली इवेंचुअली होता है फाइनली सेटल डाउन हो गया लंडन में। तो अब इसमें आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि सभी बात गिल्बर्ट की कही गई है कि गिल्बर्ट का बर्थ गैलीलियो से पहले हुआ, कब उसका बर्थ हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन से स्कूल में पढ़ा, क्या उसकी स्टडी थी। तो ये सारे अर्ली ईयर्स ऑफ गिल्बर्ट आ गए कि गिल्बर्ट कहाँ पर उसका जन्म हुआ, कहाँ पे उस क्या उसने स्टडी की, कहाँ पर पढ़ा, कौन से कॉलेज से पढ़ा, कौन से कॉन्टिनेंट में ट्रैवल किया और कहाँ पे सेटल डाउन हुआ लंदन में। तो ये अर्ली ईयर्स ऑफ गिल्बर्ट आएगा, देखते हैं। अर्ली ईयर्स ऑफ गिल्बर्ट यही आंसर आएगा और तो कोई मैच नहीं होती हेडिंग। व्हाट वाज अ न्यू साइंटिफिक रिसर्च मेथड के बारे में क्या नया था, ये तो इसमें है ही नहीं दिया हुआ। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री भी नहीं दी हुई। क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमी कुछ नहीं दिया हुआ। पायनियर्स ऑफ अर्ली साइंस ये हमारा हो गया था। तो जो जो हमारे हो जाते हैं उन्हें हम क्रॉस कर लेंगे ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। प्रोफेशनल एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन बात ही नहीं की। बिकमिंग द प्रेजिडेंट ऑफ रॉयल साइंस सोसाइटी ये भी नहीं बात की। ग्रेट वर्क्स ऑफ गिल्बर्ट कोई बात नहीं है। हिज डिस्कवरी अबाउट मैग्नेटिज्म कोई बात नहीं है। हिज चेंज ऑफ फोकस कोई बात नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो इसका आया अर्ली ईयर्स ऑफ गिल्बर्ट आएगा, बी का हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट आएगा, अर्ली ईयर्स ऑफ गिल्बर्ट। अब हम सी पढ़ेंगे। वैसे मार्क तो मैंने पहले ही कर रखे हैं ये ताकि इजीली मैं आपको बता सकूं कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हम कैसे करते हैं। ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल एंड एमिनेंट डॉक्टर। अब ही की बात की गई है किसके बारे में, गिल्बर्ट की बात हो रही थी तो आगे गिल्बर्ट की ही बात कंटिन्यू रहेगी। ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल एंड एमिनेंट डॉक्टर, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल। एमिनेंट क्या होता है, फेमस डॉक्टर था। ऑल दिस culminated in his election to the president of the Royal Science Society. तो वो Royal Science Society का president बना। He was also appointed a personal physician to the Queen. Queen Elizabeth I ने उसको personal physician रखा था। Later knighted by the Queen. He faithfully served her until her death. जब तक Queen की मतलब death नहीं हुई तब तक उसने उसको सेवा की। However, he did not outlive the Queen for long and died on November 30, 1603. अब उसने क्या कहा कि रानी के लिए वो ज़्यादातर जी नहीं पाया और मर गया था, वो उसकी डेथ हो गई थी। Only a few months after, उससे कुछ चिर पहले ही his appointment as a personal physician to the King's Exams, फिर वो personal physician appoint उसको किया गया, किसने किया था, King's Exams ने। तो अब मैं इसमें बात क्या की गई है, पहली बात इसमें सिर्फ गिल्बर्ट की बात की गई थी, हमने देखा था। हिज चेंज ऑफ फोकस तो आएगा नहीं। डिस्कवरी अबाउट मैग्नेटिज्म की कोई बात नहीं है। ग्रेट वर्क्स ऑफ गिल्बर्ट की कोई बात नहीं है। बिकमिंग द प्रेजिडेंट ऑफ द रॉयल साइंस सोसाइटी ये भी कोई बात नहीं है। प्रोफेशनल एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन हमारा आंसर करेक्ट। पायोनियर्स ऑफ अर्ली साइंस हमारा हो गया था। क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमी की कोई बात नहीं की गई। डिवेलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री ये भी कोई बात नहीं की गई। व्हाट वाज न्यू अबाउट इस साइंटिफिक रिसर्च मेथड कोई बात नहीं की गई। अर्ली ईयर्स ऑफ गिल्बर्ट हमारा हो गया था, इसको हम क्रॉस मार्क कर देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना होए। तो हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा प्रोफेशनल एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन। कैसे, प्रोफेशनल था मतलब वो डॉक्टर था, पहली लाइन में उन्होंने बता दिया था। सोशल रिकॉग्नाइजेशन एमिनेंट, फेमस था। सोशल रिकॉग्नाइजेशन मतलब सोसाइटी उसको जानती थी। तो पहली लाइन में उन्होंने बता दिया था कि गिल्बर्ट वेरी सक्सेसफुल था, सक्सेसफुल एंड एमिनेंट डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर उसका प्रोफेशन हो गया, एमिनेंट वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर था,
सक्सेसफुल था, उसको सभी जानते थे। अब कुछ सिनोनियम्स देखो, एमिनेंट को हम वेल नॉन कह सकते हैं, नोटेबल नोटेबल वेल नॉन नोटेबल फेमस, दीज आर द सिनोनियम्स विच यू कैन यूज इन योर राइटिंग एज वेल एज इन योर स्पीकिंग। अब ये सिनोनियम जो है आप राइटिंग में और स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं और रीडिंग में भी आपको यूज़फुल होते हैं। सक्सेसफुल, इवेंचुअली, इवेंचुअली का सिनोनियम क्या होता है, फाइनली, इवेंचुअली फाइनली यू कैन यूज इन योर स्पीकिंग एंड इन योर राइटिंग। नेक्स्ट हमारा है गिलबर्ट वॉज फर्स्ट इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, सबसे पहले वे किस में इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री में, बट लेटर चेंज इज फोकस, बस उसने अपना फोकस चेंज कर दिया ड्यू टू द लार्ज पोर्शन ऑफ द मिथिज्म ऑफ द एल्केमी इन्वॉल्व, क्योंकि एल्केमी में बहुत ही ज़्यादा मिथ वगैरह इन्फॉर्म थे, है ना, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल। ही ग्रेजुअली डिवेलप्ड हिज इंटरेस्ट इन फिजिक्स, फिर उसका इंटरेस्ट, पहले उसका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में था, फिर उसने अपना फोकस चेंज कर लिया, फिर किस में उसका इंटरेस्ट डिवेलप हुआ था, फिजिक्स में। ही ग्रेजुअली डिवेलप्ड हिज इंटरेस्ट इन फिजिक्स आफ्टर द ग्रेट माइंड्स ऑफ द एंशियंट, पर्टिकुलरली अबाउट द नॉलेज ऑफ एंशियंट ग्रीक्स हैड अबाउट द लॉर्ड स्टेन स्ट्रेंज मिनरल्स विद द पावर टू अट्रैक्ट आयरन। तो इसमें सीधी सी उन्होंने बात की है कि पहले केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, फिर उसने अपना फोकस चेंज कर लिया, फिजिक्स में इंटरेस्ट उसका बढ़ गया। तो हमारा जो था आंसर इसका क्या आएगा, हिज चेंज ऑफ फोकस, डायरेक्टली उन्होंने लिखा हुआ है, सभी बात गिलबर्ट की हो रही है ना, तो सारे हिज यहाँ पे गिलबर्ट ही हैं। हिज चेंज ऑफ फोकस, ये तो नहीं आ सकते, डिस्कवरी अबाउट मैग्नेटिज्म की कोई बात नहीं की, मैग्नेटिज्म तो कहीं पर है ही नहीं उस पैरा में। ग्रेट वर्क्स ऑफ गिलबर्ट, बिकमिंग द प्रेजिडेंट ऑफ रॉयल साइंस सोसाइटी, ये है नहीं उस पैरा में। प्रोफेशनल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमारा हो गया था, इसको हम क्रॉस लगा देंगे। पायनियर्स ऑफ अर्ली साइंस, ये भी हो गया था क्रॉस। क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमी, कोई बात नहीं की गई। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, कोई बात नहीं की गई कि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उन्होंने तो सीधी बात क्या की है कि उसका पहले केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, फिर फिजिक्स में हो गया, मतलब उसने अपना फोकस चेंज कर दिया। तो आंसर 10th आएगा, आंसर इज 10th। अब इस पैराग्राफ में कुछ सिनोनियम देख लेते हैं। एंशियंट, एंशियंट मतलब होता है पुराना, ग्रीक्स लॉर्ड्स इन स्ट्रेंज मिनरल्स टाइम। पर्टिकुलरली, इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलरली यू कैन यूज स्पेशली, पर्टिकुलरली जगह पर हम स्पेशली यूज कर सकते हैं, स्पेशली यू कैन यूज इन योर राइटिंग एज वेल एज इन योर स्पीकिंग। पर्टिकुलरली का सिनोनियम स्पेशली। पैराग्राफ ई, अब इसकी गिलबर्ट डिस्कवरी, सीधी उन्होंने डिस्कवरी की बात कर दी कि गिलबर्ट ने आगे कोई चीज़ डिस्कवर की, उसकी डिस्कवरी की बात की गई है। वॉज सो इम्पॉर्टेंट टू द मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स ले फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उसकी डिस्कवरी। ही इन्वेस्टिगेटेड द नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसने क्या इन्वेस्टिगेट किया, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का नेचर कैसा होता है, ये उसने क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का नेचर होता कैसा है। ही इवन कॉइन द वर्ड इलेक्ट्रिक, उसने वर्ड इलेक्ट्रिक भी कॉइन किया, दिया उसने वर्ड इलेक्ट्रिक। दो द अर्ली विलाइज ऑफ मैग्नेटिज्म वर ऑल्सो लार्जली इंटेंगल्ड विद द सुपरस्टिशियस, भी मैग्नेटिज्म के जो कुछ विलाइज थे सुपरस्टिशियस से मिलते जुलते थे, कन्फ्यूजन होती थी काफ़ी, सच एज रबिंग गार्लिक गॉड स्टेन कैन न्यूट्रलाइज इट्स मैग्नेटिज्म, कि गार्लिक और लॉर्ड स्टेन को अगर रब करेंगे तो वो उसकी मैग्नेटिज्म को न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है। वन एग्जाम्पल बिंग, न्यूट्रलाइज होता है ख़त्म करना, ठीक है, इक्वल करना।
One example being that sailors even believed the small smell of garlic would even interfere with the action of the compass, which is why hellmen were forbidden to eat it near a ship compass. Gilbert also found that metals can magnetize by rubbing materials such as fur, plastic or the like on them. आपको ये सभी नहीं पढ़ना है, मैं तो जस्ट वैसे ही पढ़ रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए इजीली. अगर आपको आंसर फर्स्ट सेकंड मतलब जल्दी आंसर मिल जाता तो आप उसको मार्क कीजिए, गो थ्रू हुई है एक बार क्विकली रीड कीजिए. प्लास्टिक और लाइक ऑन दैम ही नेम द एंड्स ऑफ मैग्नेट नॉर्थ पोल और द साउथ पोल. द मैग्नेटिक पोल्स कैन अट्रैक्ट रिपेल डिपेंडिंग ऑन पोलैरिटी. इन एडिशन हाउ एवर ऑर्डनरी आयरन इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट. दो ही स्टार्टेड टू द स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी. सैडली डिड नॉट कम्प्लीट इट. हिज रिसर्च ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग एम्बर एंड जेट ओनली डेमोन्स्ट्रेटेड डैट ऑब्जेक्ट्स विद इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैन वर्क लाइक मैग्नेट्स अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर स्टॉक. इट्स अ फ्रेंच गाय नेम्ड दिस डिस्कवर्ड दैट एक्चुअली टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव. डेमोन्स्ट्रेटेड का सिनोनिम होता है शो. डेमोन्स्ट्रेटेड शो रिवील. डेमोन्स्ट्रेटेड रिवील्ड. रिवील्ड शोड. एफ एफ हम कर रहे हैं. ही ऑल्सो उसने और भी क्या क्वेश्चन किए. द ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमिकल बिलीव्स. ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमिकल बिलीव्स. एस्ट्रोनॉमिकल जो एस्ट्रोनॉमी स्पेस से रिलेटेड बिलीव्स थे पुराने ट्रेडिशनल एंशियंट. ट्रेडिशनल सिनोनिम होता है एंशियंट. एंशियंट बिलीव थे उनके बारे में उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया था. अब ये क्वेश्चन उन्होंने बताए हुए दो कॉपरिकन ही डिड नॉट एक्सप्रेस इन इज अन इंटरस्टियल बिलीव अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. कि अर्थ जो है यूनिवर्स के सेंटर में है या नहीं. और इन ऑर्बिट अराउंड द सन और सन के आले दुआले ऑर्बिट में है. हाउ एवर ही बिलीव डैट स्टार्स आर नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. वी अर्थ से स्टार इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है. इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे नहीं. इक्वल डिस्टेंस होता है इक्वल डिस्टेंस पे नॉट इक्वल डिस्टेंस. इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है. बट हैव देयर ऑन अर्थ पर उनकी अर्थ की अपनी एक अर्थ है. प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड दैम. अर्थ के आले दुआले प्लैनेट्स घूमते हैं ऑर्बिट करते हैं. द अर्थ इट सेल्फ इज लाइक अ गेंट मैग्नेट. अर्थ क्या एक बड़ी सारी चुंबक है. विच इज़ ऑल्सो वाई कंपसेज ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ. जो कंपसेज होते हैं वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करते हैं. इसलिए दे स्पिन ऑन एक्सिस. एक्सिस पे स्पिन करते हैं. विच इज अलाइन विद पोलैरिटी. जो कि अर्थ की पोलैरिटी पे लाए करते हैं. ही इवन लाइक द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेट की पोलैरिटी को उसको अच्छा लगा. टू द पोलैरिटी ऑफ द अर्थ बट बिल्ट एन एंटायर मैग्नेटिक फिलोसफी. सारी मैग्नेटिक फिलोसफी उसने बना ली ऑन दिस. इन दिस एक्सप्लेनेशन मैग्नेटिज्म इज द सोल ऑफ अर्थ. बाकी यही बताया गया है कि मैग्नेटिज्म है अर्थ की सोल है. दस अ परफेक्टली स्पेरिकल लॉर्डस्टोन वैन अलाइन विद द अर्थ पोल वुड वॉबल ऑल by itself in 24 hours. Further, he also believed that the sun and other stars wobble just like the earth goes around a crystal core. Speculated that the moon might also be a magnet caused to orbit by its magnetic attraction to the earth. This was perhaps the first proposal that a force might cause a heavenly orbital. तो इसका हमें आंसर तो पहले ही मिल गया था. मैंने जस्ट वैसे ही रीड किया है इसको ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके. आपने क्या करना है अगर आपको आंसर जल्दी से मिलता है ठीक है उसको आप आंसर को देखिए कि हाँ हमारा आंसर ये करेक्ट भी है या नहीं. इसलिए आप जल्दी से माड़ा थोड़ा बहुत रीड कर लेंगे आगे अगर आपको आंसर मिल भी गया है तो, ताकि आपका आंसर करेक्ट ही हो लास्ट में जाकर रॉन्ग ना हो जाए ठीक है. तो हमारा इसका आंसर जो आएगा ये आएगा क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमी. पहली लाइन में हमें मिल गया था क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमी. आंसर फोर्थ. एफ का आंसर फोर्थ. नेक्स्ट है हमारा जी. ही इज रिसर्च. अब उसकी रिसर्च के बारे में गिलबर्ट की रिसर्च के बारे में उन्होंने बात कर दी. मेथड वाज रेवोल्यूशनरी. रेवोल्यूशनरी था उसके मेथड ने रेवोल्यूशन कर दिया. वो बहुत सारा
चेंज कर दिया। रेवोल्यूशन क्या होता है? चेंज करना। डैड यूज्ड एक्सपेरिमेंट्स, उसने एक्सपेरिमेंट्स यूज्ड किए रैदर देन प्योर लॉजिक एंड रीजनिंग लाइक द एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स। फिलोसफर्स क्या करते थे? ग्रीक फिलोसफर्स क्या करते थे? वो प्योर लॉजिक रीजनिंग चीज़ें यूज़ करते थे, पर इसने यहाँ पे क्या किया? एक्सपेरिमेंट यूज़ किए। गिलबर्ट ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट यूज़ किए। इट वाज अ न्यू एटीट्यूड, ये एक क्या था? नवा एटीट्यूड था, नवा नज़रिया था टूवर्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ। अब यहाँ इतना पढ़ दें, हम देखेंगे अर्ली ईयर्स ऑफ गिलबर्ट हमारा हो गया, बट वॉज न्यू अबाउट हिज साइंटिफिक रिसर्च मैथड। हमें न्यूज नियम मिल गया अबाउट ए साइंटिफिक रिसर्च मेथड, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च मतलब इन्वेस्टिगेशन। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा इसका, फिर भी अगर सेकंड आंसर आ जाएगा हमारा इसका, व्हाट वाज न्यू अबाउट ए साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब रिसर्च, न्यू एटीट्यूड, व्हाट वाज न्यू अबाउट ए साइंटिफिक रिसर्च। तो हमारा आंसर जी का आ गया सेकेंड, जी का आंसर हमारा आ गया सेकंड। अब आगे देखते हैं, इट वाज बिकॉज ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड टुगेदर विद हिज कंट्रीब्यूशन टू अवर नॉलेज ऑफ मैग्नेटिज्म दैट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स आल्सो नोन एज मैग्नेटिक पोटेंशियल नेम्ड गिलबर्ट इन हिज ऑनर। हिज अप्रोच ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन रैदर दैन द ऑथोरेटिव ओपिनियन डिडक्टिव फिलोसफी ऑफ अदर्स ही लेड द वेरी फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस। दैट्स इट। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हमारी सभी हो चुकी हैं, और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को करने का तरीका मैंने यही बताया कि आप रीड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहली दो लाइंस रीड की आपको आंसर मिल जाएगा, लास्ट वाली चार लाइंस दो लाइंस रीड की आंसर मिल जाएगा। पढ़ना तो आपको सभी पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमारा कहीं पे भी हो सकता है। सभी आप केयरफुली इसे रीड करें, क्विकली रीड करें, और एक कंक्लूज़न निकालें कि ये पैराग्राफ कहना क्या चाहता है, हमें कह क्या रहा है, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो सकता है तो यूज़ करें कि आप विजुअलाइज़ करें इन चीज़ों को, कि उसके रिसर्च मेथड रेवोल्यूशनरी था। इन सब चीज़ों को अगर आप अपने माइंड में एक पिक्चर बना के चलेंगे, विजुअलाइज़ करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा रीडिंग में अच्छे मार्क्स को लेने के लिए। इवन आप फिलिप्स में भी विजुअलाइज़ कीजिए चीज़ों को, माइंड में रखिए, माइंड में एक पिक्चर सी बनाइए उन चीज़ों की। और ट्रू फॉल्स के लिए भी ये मेथड यूज़ कीजिए, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के लिए भी यूज़ कीजिए, तो आपकी डेफिनेटली आपके जो रीडिंग बैंड स्कोर्स हैं वो अच्छे आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल।